हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का सेफ टेक्नो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर अलार्म सिस्टम में यूज़ होने वाली मॉड्यूल्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी अच्छे से टेक्निकल वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, दो तरह के मॉड्यूल्स फायर अलार्म सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। पहला है मॉनिटर मॉड्यूल और दूसरा है कंट्रोल मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉनिटर मॉड्यूल के बारे में। दोस्तों, मॉनिटर मॉड्यूल को इनपुट मॉड्यूल भी कहा जाता है। दोस्तों, जब किसी थर्ड पार्टी को हम फायर अलार्म पैनल के साथ अटैच करेंगे तो हमें मॉनिटर मॉड्यूल का यूज़ करना होगा, उस थर्ड पार्टी के अंदर जो भी एक्टिविटी होगा उसका सिग्नल फायर अलार्म पैनल को भेजने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, गैस लीक डिटेक्टर हो गया, इंजन रन हो गया, फ्लो स्विच, अलार्म चेक वाल्व, इन डिवाइसेस का स्टेटस फायर अलार्म पैनल को भेजने के लिए मॉनिटर मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। सिंपली किसी थर्ड पार्टी का स्टेटस फायर अलार्म पैनल को भेजना हो तो हम लोग वहाँ पर मॉनिटर मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। अब इसके बाद आता है दोस्तों कंट्रोल मॉड्यूल। दोस्तों, कंट्रोल मॉड्यूल को आउटपुट मॉड्यूल भी कहा जाता है। दोस्तों, कंट्रोल मॉड्यूल क्या करती है? थर्ड पार्टी को कंट्रोल करती है। मॉनिटर मॉड्यूल क्या करती थी? थर्ड पार्टी का सिग्नल पैनल को भेजती थी, लेकिन कंट्रोल मॉड्यूल क्या करेगी? थर्ड पार्टी को कंट्रोल करने का काम करेगी। जब भी फायर अलार्म पैनल के अंदर कुछ भी एक्टिविटी होगा, अलार्म जनरेट होगा, तो वो क्या करेगी? थर्ड पार्टी को कंट्रोल करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एलिवेटर्स, एक्सेस डोर्स, एचवीएसी सिस्टम एटसेट्रा को फायर होने पर कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल मॉड्यूल का यूज़ करेंगे हम लोग। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।